हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि देखिए, हम भी जब ट्वेल्थ के बाद यूपी कैडेट तो हम जानते ही नहीं थे। यूपी कैडेट है क्या? बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको यूपी कैडेट के बारे में पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं होगी। हालांकि अब बीएससी कंप्लीट हो गए, एमएससी कंप्लीट हो गए तो जानकारी परिपूर्ण हो गए। तो इसमें देखेंगे यूपी कैडेट में यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए, वेटनरी के लिए, फिर पीजी में आपका मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर एमएजी के लिए, एमएससीएजी एंट्रेंस के लिए, फिर एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, फिर आपका पीएचडी किसी भी ब्रांच से डॉक्टरेट के लिए। तो ये जो चार हैं इसके बारे में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि इसका पेपर कैसे आता है, क्योंकि कमेंट्स ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि हमें भाई, हम भी उस जगह होते तो हो सकता है हमें भी ना पता हो। जिनको पता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आप कट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है भाई, तो हम जीरो से लेकर के आपको बिल्कुल ले चलते हैं, प्रत्येक वर्ष लेकर चलते हैं जीरो से, और कंप्लीट जानकारी देना चाहते हैं। आइए, इस वर्ष एबीएम का हमने पीडीएफ प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जिस भी अभ्यर्थी को चाहिए, समय कम है, पीडीएफ हमसे लेकर के आप पढ़ सकते हैं, आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा। हमने जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, लेकिन उसी के पैटर्न पे ऑन द मेमोरी बेसिस पे हमने बातचीत करके अपने जो भी अभ्यर्थी दिए थे एग्जामिनेशन, उसी बेस पर हमने ये पीडीएफ तैयार कर दिया है। ठीक, और यहां से क्वेश्चन फंसने के 100% चांसेस है। और आपको जो भी अभ्यर्थी है एबीएम का पीडीएफ ले रहे हैं, इनको हम 5 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जिसकी फीस है ओनली 99 रुपीज। चलिए अब देखेंगे इसमें यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन यानी पीएजी, पीसीबी, पीसीएम, पीएचएस, ये सारे ग्रुप के जो पेपर होंगे, ये जो पेपर हैं ये आपके हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आते हैं। यूजी के पेपर, अंडर ग्रेजुएशन वाले जो पेपर एंट्रेंस होते हैं, ये आते हैं आपके दोनों भाषा में, बोथ लैंग्वेज में। एक साइड में हिंदी दी रहती है, एक साइड में इंग्लिश दी रहती है। लेकिन अगर देखिए, कोशिश ये करिएगा कि आप इंग्लिश वाले को टच करें। कुछ क्वेश्चन जैसे 2016 में आपका इंग्लिश में दिया था न्यूक्लियोलस और हिंदी में दे दिया था केंद्रक, तो इंग्लिश वाला ही माना गया था सही। ठीक, तो इसमें हिंदी में ये क्वेश्चन हालांकि मेरा ही गलत हुआ था, मैं हिंदी वाला देख करके उसको टिक कर दिया और उसके बाद लास्ट में ओएमआर भर दिया। तब इतनी जानकारी हमें परिपूर्ण नहीं थी, ना कोई बताने वाला था ना कोई गाइड करने वाला था, जिस कारण बस वो क्वेश्चन हमारा खुद गलत हुआ था। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो गलती हमने किया वो गलती आप ना करें। ठीक, तो कोशिश ये रखिएगा, समय आपके पास बच जाता है, काफी पेपर करने के बाद बच जाता है, तो आप इसको इंग्लिश वाला भी एक चक्कर चेक कर लीजिएगा, लास्ट में वो या मार भरिएगा लास्ट के 40 मिनट में। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं एबीएम, पीजी और पीएचडी, इन सभी का जो पेपर, ये जो तीनों हैं इनका जो पेपर आता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही आता है। ठीक, और इनका जो है ये बोथ लैंग्वेज में आता है। क्लियर, तो जिनको जानकारी थी तो अच्छी बात है, जिनको नहीं जानकारी थी उनको जानकारी हो गई। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग में सब में 0.25 यानी इसी को हम कह सकते हैं 1/4 का निगेटिव मार्किंग सब में है, पूरे यूपी कैडेट में, किसी भी ब्रांच में हो आप जाइए, सब में सेम वही रूल है। एबीएम में और पीएचडी में 100 क्वेश्चन आते हैं, और पीजी में और यूजी में आपके 200 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 200 क्वेश्चन आपके होंगे 800 मार्क के, 100 क्वेश्चन होंगे आपके 400 मार्क के। ठीक,
0.25 का निगेटिव मार्किंग होगा और इसमें 200 क्वेश्चन के लिए आपको 3 आवर का टाइम मिलेगा और 400 मार्क का इसको अटेंड करने के लिए 2 आवर का टाइम मिलेगा। ठीक, बस यही अंतर है। पीजी का पेपर आपका सुबह 9 से 12 होगा और पीजी और यूजी का 9 से 12 और पीएचडी का 9 से 12। एबीएम का पेपर जो होता है शाम को 4 से या 2 से होता है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा, उसको देख के कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस ये जानकारी आप संतुष्ट हो गए होंगे। तो ये जो पेपर का भाषा आता है तो आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।